ठीक है, तो हम कहाँ पर थे? हम थे ए पे। इसके नीचे रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए थोड़ा ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं दोबारा कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? देखो, ए है। अब ए, ये मैं नहीं हूँ क्योंकि इसके आगे मैं एप्लीकेबल नहीं हूँ, दूसरी जनरेशन अभी आई नहीं है मेरी। किसी को भी मान लेते हैं, ए को ही है, तो उसका उसे अपने सन को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेगा? ऐसे, है ना? और अपनी डॉटर को, तो सन की जो सिस्टर होगी वही डॉटर होगी, उसके सन की जो सिस्टर होगी वही डॉटर होगी। हम जो भी रिलेशन लिख रहे हैं वो ए के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, इसलिए सन वन लिखा जा रहा है, सन यहाँ पे डॉटर। अदरवाइज ये क्या है? सन और डॉटर क्या है? ब्रदर सिस्टर है ना, तो यहाँ आ जाएगा डॉटर। डॉटर के आगे क्या आ जाएगा? ऊपर, सॉरी। और ए का कपल जो है उसे रिप्रेजेंट करना है, तो मान लो बी है, या इसे वाइफ ही लिख देते हैं, मेल है तो यहाँ वाइफ लिख देता हूँ, ठीक है, वाइफ। और ऊपर माइनस लगा दो, क्या प्रॉब्लम है? अब उसे अपना ब्रदर इन लॉ, ए को अपना ब्रदर इन लॉ रिप्रेजेंट करना है, तो वाइफ का ब्रदर होगा वो, ऐसे करके ब्रदर इन लॉ, और यहाँ प्लस लगा दो। अब ब्रदर इन लॉ का बेटा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ब्रदर इन लॉ का बेटा। ए का क्या लगेगा? कुछ भी लगेगा, उसे सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बेटा है, बेटी है, तो ऐसे करके डी से रिप्रेजेंट कर दो। तो समझ गए ना कैसे बनता है ये? ये हमारा फैमिली ट्री है पूरा, ये देखो फैमिली ट्री बन गया ना इस टाइप से। फिर पूरा चार्ट बना दिया। इस टाइप के चार्ट बनाने हैं आपको हर क्वेश्चन में, इतने बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे से होंगे, मतलब मैक्स टू मैक्स। बड़े से बड़े क्वेश्चन में आपका यहाँ इतना बनेगा, बस इतना, इससे बड़ा नहीं बनने वाला, ठीक है? तो मैंने आपको हिंट दे दिया है। सो स्टार्ट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे और उसके थ्रू करेंगे। बस एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, उसके बाद तो आपको देखने की भी नीड नहीं है, ठीक है? आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, जिनमें भी डाउट होगा आप मेरे थ्रू वीडियो मैं सबकी अपलोड करने वाला हूँ, उनमें देख लेना। ओके, ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आना, मैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, गुड बाय।